So welcome to the Lazy and the Traveller. This was our stay last night. छोटा सा है बाहर से, क्यूट सा लग रहा है, लेकिन छोटा था अंदर रूम. और पार्किंग की जगह इनफ थी. दिस टाउन इटसेल्फ इज रियली नाइस. बिल्कुल डिफरेंट टाउन है. आई कांट कंपेयर दिस विद एनीथिंग एल्स. आसपास पहाड़ है, बीच में टाउन है, छोटा सा एक चर्च है. और मेनली आई थिंक यहाँ पे पोर्ट है काफ़ी बड़ा, तो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द आइसलैंड. बट अदरवाइज आई एम थिंकिंग प्रोबेबली जब बहुत ठंड होती होगी या बहुत बर्फ़ पड़ती होगी, तो यहाँ से जो ये पास वाला एरिया है जो हम क्रॉस करके आए हैं, वो पक्का थोड़ा क्लोज तो हो जाता होगा. एंड देन दिस टाउन वुड बी ओनली कनेक्टेड थ्रू द पोर्ट्स. सो बट अदरवाइज काफ़ी सुंदर टाउन है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ. बिल्कुल विंडी नहीं है आज, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है. सो आई एम होपिंग इट्स बिकॉज ऑफ द हाई माउंटेंस विच आर अराउंड दिस टाउन. तो आज हम एक्चुअली जाने वाले हैं यूरोप के सबसे पावरफुल वाटरफॉल पे, कॉल्ड डेटीफॉस. इट्स इवन बिगर देन गुलफॉस. एंड उसके बाद एक है लेक, है लेक मायवतन. सो दीज आर द टू प्लेसेस विच विल बी कवरिंग टुडे. बाकी ओवरऑल अभी हम थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ पे इस टाउन को थोड़ा घूमेंगे. यहाँ पे एक वो रेनबो वाला वॉक सा है, उसकी आपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स एंड पोस्ट्स देखे होंगे. इट्स वेरी वायरल, आई कैन सी इट फ्रॉम हियर. सो वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खींचते हैं. एंड बाकी इस टाउन को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एक आध कॉफ़ी लेके. दिस इज़ द स्मॉल लेक ऑफ दिस टाउन. बाकी थोड़ा कलरफुल है, घर भी बड़े कलरफुल हैं, रेड है, ब्लैक है, आई कैन सी वुड कलर, ब्लूज. या लेट्स गो एंड रिटर्न द कीज. सो यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन का था हमारा, तो वी गोइंग टू रिटर्न द कीज. सो वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट, सॉर्ट ऑफ अ ब्रंच, नाइस कैफे, तेहुसिद कैफे इन Eglistar. So Eglistar and Sears the Fjord, both are adjacent and neighboring towns. Eglistar is connected with air routes and the other one is connected with the boats. It has harbor, so it's directly connected with other Nordic countries like Norway and Sweden or Finland, and I think UK as well. So now it's time to leave and we're going to Datifoss. रश है, काफ़ी लोग हैं. यू कैन सी दैट, दैट्स द पार्किंग. तो यहाँ से पार्किंग से इट्स 1.1 किलोमीटर्स की छोटी सी हाइक है. बर्फ़ पड़ी हुई है, फ्रेश, थोड़ी फ्रेश ही पड़ी है, थोड़ी पहले की है. एंड यहाँ पे आ रहे हो तो यू नीड अ गुड पेयर ऑफ शूज़, एट लीस्ट वाटर प्रूफ, नॉट लाइक दीस स्नीकर्स वोंट डू. So sneakers are prohibited. If you wanna hike here, you need good pair of shoes. So, to be honest, aadha Iceland dekh liya. Mostly har jagah pe waterproof shoes kaam hi aa rahe hain. Kahin pe bhi overdone nahi lag raha. Dekho ye ladkiyon ne bhi bade acche pehen rakhe, dono ke same hai. Blue and black, same company, same model, sab kuch same hai. And they are happy. Happy? Happy girls? Very happy. Ha, aa lende unko bhi. इकट्ठे इकट्ठे ही चलते हैं. ये देख लो, ये है स्नीकर्स जो ये पहन के पूरे आइसलैंड में घूम रहा है. बेस्ट स्नीकर्स.
देख लो ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट नॉट टू डू इन आइसलैंड. दिस इज 100% स्लिपरी. Admiring my shoes. एक तो स्नीकर्स और ऊपर से वाइट. Almost we have reached to where we can view the waterfall. The last leg is that ramp. From that ramp, you can reach the viewing point. ऐसे नहीं लग रही है अचार की स्मेल आ रही. हाँ, fermentation की. Yes. All right. We are closing in. So we have reached the viewing place, and this is one hell of a place. I can't tell you how big this thing is. Oh man. Oh man. Oh man. Humongous. So guys, that was Datifoss, Europe's most powerful waterfall. So now we are heading back. From here we'll be going to Lake Maivatn. वहाँ पे एक दो activities type हैं, but हमने book नहीं की. So we'll see कि क्या है. अगर कुछ worth it है तो कर भी लेंगे. Then we'll be going to Equerry, where our Airbnb is booked. दो दिन वहाँ रुकेंगे. And then we'll show you the town Equerry. So I'm hoping कि वहाँ मज़ा आएगा. And इस video में और मज़ा आएगा. Keep watching. एक और चीज़, यहाँ से सीधा जाएंगे तो Selfoss. पीछे हम Datifoss से आए हैं और यहाँ से U-turn मारेंगे तो parking. So हम सोच रहे हैं कि हम Selfoss भी देख ही आएँ वहाँ सामने जा. So that's Selfoss guys. Looks pretty good. छोटा है but बहुत सुंदर है. क्या हो गया, शूज खुल गए तेरे? ज़्यादा चल लिया आज. खाओ तो दोस्त. लो लो, बहुत ठंड है वहाँ तो. My God. मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि लेक कौन सी है. वो तो गाइस ऐसा है, चलते चलते हमने पहले सोचा था कि एक्वेरी के बाद आएगा कोटा फॉस, बट समहाउ हमको एकदम से एक फॉस दिखा, उसका नाम था कोटा. तो कोटा फॉस हम पहले ही आ गए एक्वेरी से. दूर से तो अच्छा लग रहा है. एंड इट्स वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल. छोटा सा वॉक है. सो वी आर वॉकिंग. इसका तो बहुत ईजी वॉक है. वेरी ईजी. You can have sneakers in this form. Right? Recommended sneakers. So that is Gotafoss or Giatafoss. Looking really nice. काफी fast है ये भी, काफी energetic, काफी सुंदर. Wow! Such a beautiful view. That is Gotafoss. जो हमको लग रहा था कि कल जाएंगे या परसों जाएंगे after leaving from Equerry, but ये आज ही रास्ते में आ गया. थोड़ा सा हमने list में इधर उधर कर दिया होगा इसको, तो ध्यान नहीं रहा कि ये actually में Equerry से पहले आ जाता है. But very nice, very nice. अच्छी लग रही है. लैंड का जो स्लांट है उसकी वजह से पानी का फ्लो फास्ट है यहाँ पे. गुड गुड ऑब्जर्वेशन. यस यू आर राइट, द लैंड इज नॉट फ्लैट, इट्स स्लांटिंग.
Ekvari, which is the northern town of Iceland. It's directly, you can say, in the middle of the ring road. Doesn't matter which side you start the journey. So we are in the north, and it's a very beautiful town. Today we're gonna explore this town and see what this town has to offer. It's a cute little town. There's a cruise which is parked there since yesterday. I think they are doing few tours around here because Deti Foss and Goda Foss pass hi hai yahan se. So I think ye kal se yahan khadi hai, to I think overnight yahan khadi rahegi and they'll do the tours, and kal aaj shaam ko mere hisab se yahan se nikal jayegi. So this town is connected through airport and with the harbor as well. So very well connected. So yep, let's go and explore this town. So अभी अभी हमको पता चला है कि हमने जो ग्लेशियर वाला वो किया था बोट राइड और पूरा टूर किया था, जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी अपेरेंटली वहाँ पे पार्किंग थी जो कि हमने पे नहीं करी. एंड नाउ पार्किंग का फीस था 1000 क्रोन्स, बट नाउ वी आर पेइंग 3000 क्रोन्स विच इज़ अबाउट 20 यूरोस. सो जस्ट टेक केयर व्हेनेवर यू विजिटिंग आइसलैंड. द बोट्स आर नॉट वेरी क्लियर समटाइम्स बिकॉज वहाँ पे एक्चुअली मौसम बहुत ख़राब था, तो शायद हमने बोट मिस कर दिया. बट ओवरऑल साइंस एंड बाकी रोड साइंस एंड एवरीथिंग इट्स नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी ऑब्वियस लाइक ऑस्ट्रेलिया. Yeah, you have to take care of it, otherwise you might end up paying the fines like us, although it's just one fine, but it is, so just take care. So now we are almost approaching the main street of this town. It's a very beautiful street. Kal hum yahan pe ek Indian restaurant pe bhi khana khaya tha. It's called Indian Curry House. Theek tha khana, sabziyan kafi achhi thi. रोटी ओके ओके, चावल और सब्जी बहुत अच्छी थी. सो दैट्स द मेन स्ट्रीट. बोटैनिकल गार्डन, ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़ा ब्राउन था, ग्रीन थोड़ा सा एक दो महीने के बाद और आई थिंक ब्लूम करेंगी चीज़ें, बट अभी तो ब्राउन सही था. अब हम जा रहे हैं एक म्यूज़ियम है, नाम क्या था उसका, लूफस म्यूज़ियम है ना, लूफस म्यूज़ियम करके कुछ नाम है. We are at this museum, Lufas Museum. अच्छी जगह लग रही है, ज़्यादा लोग भी नहीं है. So यहाँ की हेरिटेज साइट है ये, तो let's see कैसी है. ये कुछ पुराने ट्रैक्टर्स वगैरह पड़े हैं जो पहले की यहाँ की फार्मिंग में यूज़ होते होंगे. दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस विच आई थिंक फार्मिंग और क्रॉप्स वगैरह हमेशा से रहती और रही होंगी. और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम फोटोज़ में देख के आए थे, विच आई थिंक वी नीड टिकट्स टू गो फॉर. ये थोड़ी सी सोमिनियर शॉप है. It's from 1870 as this house was built, or 1800 up until 1870 it was in building as it is today, but there has been some sort of house here on the same place for over 1000 years, and this is still a vicarage, so a priest now lives in the brown house over there. Oh. They lived in this house up until 1936, and then they moved into this house we're living
in here now. Mm-hmm. And yes, 18 rooms, so it was a rich person's house. Mm. So it's not a normal house. Mm-hmm. It is a rich person's house. Just keep that in mind. Mm. Keep mind the low ceilings and the uneven floors. Mm-hmm. Make sure to really look at everything. Okay. The things in the house are both from this house originally and from other houses found in the area. Mm. So, yeah. म्यूज़ियम ये वाला देख लिया, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बट इट्स इंटरेस्टिंग। एंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे चार पांच और साइट्स हैं ऐसी जिनकी टिकट्स एक साथ मिलती है, सो यू कैन बाय दैट। हमारे पास टाइम नहीं है, हम कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। एंड बाकी के जितने भी म्यूज़ियम्स हैं वो, क्योंकि अभी यहाँ पे सर्दियाँ ही चल रही हैं तो वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक खुले हैं सिर्फ, सो इसलिए बाकी तो हम नहीं देख पाएंगे। ये वाला देख लिया, अपेरेंटली दिस वन इज़ द लार्जेस्ट वन, बाकी सब छोटे हैं। ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है बट अच्छा है। इट्स वंस, मतलब एक बार आ रहे हो यहाँ पे तो वी शुड सी दैट, यहाँ का कल्चर, यहाँ का हेरिटेज क्या था पुराना। सो जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे हर जगह कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सो द नेक्स्ट डे वी लेफ्ट दिस अमेजिंग टाउन ऑफ एक्वरी एंड मेड आवर वे टू द कैपिटल ऑफ आइसलैंड, रेकियाविक। ऑन द वे वी मेट दिस लवली इंडियन गाय नेम्ड अभिषेक। Let's get to know him a bit more. नहीं, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ थोड़ी। एक्चुअली मैं बहुत पॉपुलर कर रही हूँ, मैं यूट्यूब चैनल से बनाता हूँ कई बार, थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है बट उसमें डाल देंगे ना अभी तो, मैं क्या पता इससे वायरल हो जाऊँ मैं अभी और आप भी। So Abhishek runs an Indian restaurant in Reykjavik and is also an active member of Indian community here in Iceland. After filling our tummies, we went straight to Blue Lagoon. Navigating through the frozen lava on the roads, you could still see the smoke coming out of this settled lava. Blue Lagoon is nestled between these active volcano sites itself, and just reaching this place was an experience in itself. किसका हाथ है ये, मैंने After having this wonderful healing experience in the lagoon, we head straight to the restaurant. Lamb served here was one of the best in Iceland. And that's it for the video. Thank you so much for watching till the end. If you haven't done so already, please do subscribe and share with your family and friends. I'll see you in the next one.